अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शेख अनवर, एशियन टीवी न्यूज़ में आप सबका इस्तकबाल है। आइए देखते हैं आज की अहम खबर। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद। मुझे दिया है ना, मैं बात करूंगी। हिंदुस्तान जिंदाबाद। डिफरेंस रहीम। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अभी जो यहां पर बात कही गई है, अभी यहां पर जो बात कही गई है वो गलत है। हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ना मेरी पार्टी का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। हम जब तक जिंदा रहेंगे इंशाल्लाह भारत जिंदाबाद के नारे मारते रहेंगे। हमारा पाकिस्तान से कोई ताल्लुक था ना रहेगा इंशाल्लाह ताला। ये कंडेमनेबल है और ऑर्गेनाइजर्स को चाहिए था कि ऐसे लोगों को यहाँ पर दावत नहीं देना चाहिए था। अगर मुझे मालूम होता कि इस तरह की बात कही जाएगी तो मैं इस जलसे में आता ही नहीं था, ये सवाल ही पैदा नहीं होता। हमारी पूरी लड़ाई भारत को बचाने के लिए है और कोई आकर यहाँ पर हमारे दुश्मन मुल्क के बारे में नारे लगाएगा, हम उसको कंडेम करते हैं और मुर्दाबाद के नारे मराएंगे। हमारे लिए भारत जिंदाबाद है, भारत जिंदाबाद रहेगा। हमारा कोई मतलब ही नहीं है पाकिस्तान से हमको, और जो पाकिस्तान के नारे लगा रहे हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं, हम कंडेम करते हैं उसको। मैं ये बात क्लैरिफाई करना चाह रहा हूँ। मुझे अफसोस है कि यहाँ के ऑर्गेनाइजर्स इस तरह के लोगों को बुलाकर गैर जरूरी के गलत मैसेज देते हैं। हम इनके ये मैडम के हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, हम इस कंडेम को पूरी तरह से कंडेम करते हैं। ये स्टेटमेंट नहीं बल्कि गलत है स्टेटमेंट। इनको नहीं चाहिए था यहाँ पर आकर इस तरह की बात करना चाहिए था। ये ऑर्गेनाइजर्स को भी कंट्रोल करना चाहिए था। ले 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 ले।